नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिखेगी जबलपुर के जीएसएफ की ताकत। यूपी की राजधानी लखनऊ में 5 से 8 फरवरी तक चलने वाले डिफेंस एक्सपो में गन कैरिज फैक्ट्री जीसीएफ की ताकत दिखाई देगी। एक्सपो में फैक्ट्री में तैयार की गई 155 mm 35 कैलिबर धनुष एवं शारंग तोप के अलावा एक 155 mm 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम का प्रदर्शन किया जाएगा। तीनों उत्पादों को रवाना कर दिया गया है। इस डिफेंस एक्सपो में देश एवं विदेश के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी में आयुध निर्माणी बोर्ड के पवेलियन में जीसीएफ की तीनों तोप की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। इस एक्सपो में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं। 40 किलोमीटर तक निशाना साधने वाली शारंग तोप का लांगपुर ऑफ रेंज खमरिया में सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब इसे एक्सपो में शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ 6 धनुष तोप के रूप में पहली खेप सेना को दी जा चुकी है। तीनों तोप की अपनी विशेषताएं हैं। यह अत्याधुनिक संसाधनों से लैस। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों को जीसीएफ में तैयार किया गया। धनुष तोप बोफोर्स का अपग्रेड वर्जन है। इसमें लगभग 90% कलपुर्जे स्वदेशी है, इसलिए इसे स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जाता है। जीसीएफ ने पिछले साल अप्रैल में 6 तोप सेना को सौंपी थी। वहीं 12 तोप तैयार कर इस साल सेना को सौंपने का लक्ष्य तैयार किया गया। जीसीएफ में माउंटेड गन सिस्टम तैयार किया गया है। भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड BEML की सहायता से इसे तैयार किया गया। BEML के अत्याधुनिक ट्रक पर जीसीएफ में तैयार की गई 155 mm 52 कैलिबर की भारी भरकम तोप को रखा गया। इस तोप से 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक धमाका किया जा सकता है। माउंटेड गन सिस्टम की अपनी विशेषताएं हैं। दुश्मन को चकमा देने के लिए तुरंत ही इसका स्थान बदला जा सकता है। ट्रक से इसे कुछ ही समय में दूसरी जगह तैनात कर दिया जा सकता है। इसका प्रोटोटाइप तैयार किया गया। अब सेना से ऑर्डर का इंतजार है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।